हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है बहाने बाजी भाभी कब तक बच्चे को कलेजे से चिपकाए पड़ी रहोगी ऐसे तो वो माँ की गोद का आदि हो जाएगा और हर समय तुमसे ही चिपका रहेगा फिर घर के काम कौन संभालेगा अरे जीजी जी, आप भी हद करती हैं इतनी तेज़ चिल्ला रही हैं अभी अभी बड़ी मुश्किल से मुन्ना सोया है जाग जाएगा फिर आप लोग तो उसे संभालेंगी नहीं और मेरी मुसीबत हो जाएगी घर के काम करूं या बच्चा संभालूं वो मेरे सीने पर ही सो गया है अगर मैं अभी उसे उठाकर दूसरी जगह लिटाऊंगी तो फिर से रोने लगेगा शांति ने जवाब दिया बहाने मत बनाओ बहू हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं तुम्हारी बहानेबाजी बच्चे के बहाने अपना भी आराम करती रहती हो कितनी देर हो गई तुम्हें कमरे में गए हुए सासू माँ निर्मला जी ने अपनी बेटी मीना की बात का समर्थन किया आप लोगों को बहाना लगता है तो बहाना ही सही लेकिन मैं इस समय अपने बच्चे की नींद तो खराब नहीं करूंगी। वो चैन से अपनी माँ के सीने पर सो रहा है तो जितनी देर वो सोएगा मैं भी उसके साथ लेटी रहूंगी। दो टूक जवाब सुनकर सास ननद से कुछ बोलते नहीं बना अपनी भाभी की बात सुनकर ननद की आंखें कुछ सोचकर छलछला चल आईं और अपनी माँ से बोली माँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं छोटा बच्चा है उसे माँ के सीने पर आराम मिला और वो सो गया अगर वो उसे उठाएंगी तो उसकी नींद भी उचट जाएगी और वो रो रो कर खुद भी परेशान होगा और उन्हें भी परेशान करेगा जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो वो खुश होकर खेलता रहेगा और भाभी काम कर लेंगी आप परेशान ना हों जो थोड़ा बहुत है मैं निपटा देती हूँ माँ आश्चर्य से बेटी की ओर देखते हुए बोलीं ये आज तुम्हें क्या हुआ है तुम्हें कब से अपनी भाभी पर इतनी ममता उमड़ने लगी जो उसका पक्ष ले रही हो ये एक माँ के दिल की आवाज़ है वहाँ ससुराल में मुझे अपने बच्चों को दूध पिलाने तक का समय नहीं दिया जाता तब भी सबको लगता है कि मैं उसे दूध पिलाते समय ज़्यादा समय लगाती हूँ मेरा बच्चा दिन रात रोता रहता है कभी कभी रोते रोते अपने आप ही ज़मीन पर सो जाता है उस समय उसे देखकर बड़ा रोना आता है कि जब मैं अपने बच्चे को ढंग से पाल पोस नहीं सकती उसे ज़रा सा समय नहीं दे सकती तो उसे जन्म ही क्यों दिया लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई आज भाभी को अपने बच्चे के लिए बोलते देखकर मेरे मन को अच्छा लगा और मेरे अंदर भी खुद के लिए बोलने की हिम्मत आ गई अब से मैं भी अपने बच्चे को पूरा समय दिया करूँगी काम का क्या है देर सवेर हो ही जाएंगे, लेकिन बच्चों का बचपन लौटकर दोबारा नहीं आता तब मन में ये मलाल रह जाएगा मैंने तो घर के कामकाज के चक्कर में अपने बच्चे की ढंग से देखभाल ही नहीं की और ना ही उनके साथ समय बिताकर उनका बचपन जिया मैं भी अपनी सासू माँ से कह दूंगी जब काम मुझे ही करना है तो मैं देर सवेर अपने हिसाब से कर लूँगी लेकिन अपने बच्चे की देखरेख से कोई समझौता नहीं करूँगी अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो खुद कर सकती हैं कहते हुए मीना के चेहरे पर दृढ़ता थी तुम्हारी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि बैठे बैठे इस शरीर में जंग लग जाएगी हम भी थोड़ा बहुत चल फिर कर घर के काम काज कर लिया करें या फिर मुन्ने की देखभाल कर लिया करें जिससे बहू को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा आज अपनी बेटी का दर्द सुनकर बहू का दर्द समझ में आ गया हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं जो हम बहू के साथ करते हैं कहीं ना कहीं हमारी बेटी भी अपने ससुराल में वही सब भोगती है हम तो बस हर समय उसे दोस्त देने में लगे रहते हैं आज तुम अपना दर्द नहीं कहती तो कभी समझ ही नहीं आता मुझे तो लगा आप दोनों मुझसे नाराज होंगी क्योंकि उस समय गुस्से में मैंने आपको जवाब दे दिया था लेकिन आप लोगों ने तो यहाँ सारा काम ही निपटा दिया शांति खुश होते हुए बोली बहू उस समय तुम्हारी बात पर गुस्सा तो बहुत आया था लेकिन मीना की समझदारी भरी बातें सुनकर तुम्हारी बात समझ में आ गई कि एक माँ अपने बच्चे के लिए ही बोली है उसने कुछ भी गलत नहीं कहा आज मीना ने भी तुमसे सीख ली है अपने बच्चे के लिए वो भी बोलेगी हाँ भाभी मेरा बच्चा हर समय रो रो कर हो गया है क्योंकि मैं घर के कामों के चक्कर में उसका कोई काम समय से नहीं कर पाती और ना ही उसे ऐसे सीने से लगा कर सुला पाती हूँ लेकिन अब सबसे पहले अपने बच्चे का हर काम करूँगी मीना खुश होते हुए बोली आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद